सौम्या, भाई लोग कुछ भी कहें लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमसे अच्छा जीवन साथी मेरे बेटे वेदांत को नहीं मिल सकता। भाई मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेदांत। थैंक यू डैड, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन यार तेरे बाप का बड़ा अरमान था कि अपने एक बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करे। तू तो यार मंदिर में शादी करके आ गया। डोंट वरी डैड, आपका ये अरमान आपका बेटा जरूर पूरा करेगा। बस आप मुझे कुछ दिन दीजिए, उसके बाद आपको जैसे सेलिब्रेट करना होगा आप कर लेना। भाई मेरा बस चले तो मैं तो अपने बेटे और बहू की शादी हर रोज सेलिब्रेट करूं। एनीवे तुम दोनों आज अपना पहला दिन अच्छे से सेलिब्रेट करो, मैं उसकी तैयारियां करवाता हूं। सौम्या कितना अच्छा नाम है, और उस हरमन सिंह ने तुम्हें तराना बना दिया था, पर अब मैं तुम्हें दोबारा सौम्या बना दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हरमन जी ने तो मुझे सौम्या से अपनी गुलाबो बनाया था, पर किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर है। हरमन जी, हरमन जी हरमन जी हरमन जी हरमन जी हरमन जी सौम्या, क्या कर रही हो तुम? डैड ने प्यार से कमरा सजवाया। जब शादी नहीं हुई है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन डैड को तो लगता है ना कि हमने शादी की है, सो रिलैक्स। तुम ये मत समझो कि हमारी स्वागरात है। बाय द वे, तुम भी तो इतनी बार मेरा कमरा फूलों से सजाती थी मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। बस ये उसका एक रिटर्न गिफ्ट समझ लो। एंड वैसे भी तुम्हें सोना तो इसी कमरे में है। पीतो हरक सिंह, पीतो हरक सिंह, पीतो हरक सिंह। क्या हुआ तुझे? बोल, सब ठीक है? बोल। हुआ पंडित बुला पीतो। पंडित क्यों? श्राद्ध करवाना है, पंडित बुला ले। किसका श्राद्ध? सौम्या का। खुशखबरी है, अगर हरमन सच में ये श्राद्ध करवाता है तो समझ लीजिए जो बचा कुचा रिश्ता है इनके बीच वो भी खत्म। वही तो,
बुलाओ बुलाओ, पंडित को बुलाओ। कि सौम्या ने वेदांत जी से शादी कैसे कर ली? हम उसे हरमन जी से मिलाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, क्या किया इसने? इतना गलत फैसला कैसे ले लिया? सौम्या दूसरी शादी नहीं कर सकती, इसमें जरूर कोई और बात होगी। सौम्या तो परम गुरु माँ का पद त्याग के हरमन के पास वापस जा रही थी, फिर अचानक से ये कदम। कहीं सबकी खुशी के लिए उसने सारा जहर खुद तो नहीं पी लिया? उसके इस फैसले के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे। हरमन सिंह, तेरी कोई निशानी नहीं रहने दूंगा सौम्य के पास। तुमने तो कहा था तुम खुद को हरमन से दूर कर लोगी। ये मंगलसूत्र तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कल से आपको ये मंगलसूत्र इस घर में नहीं दिखेगा। दे दीजिए। आइए पंडित जी, आज आपसे एक खास पूजा करवानी है। ओए शिरा, पंडित जी, श्राद्ध की पूजा पूरे मन और रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। तू तो सचमुच पंडित ले आया शिरा, की करने की पे? पंडित जी, आप श्राद्ध की तैयारियां शुरू कीजिए, मैं दाह संस्कार की सामग्री लेकर आता हूं। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है, फिर आप दाह संस्कार किसका करवाना चाहते हैं? सौम्या का। लेकिन आप सौम्या की चुनरी को ही सौम्या समझकर उसका दाह संस्कार कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सौम्या तो जिंदा है और उसका दाह संस्कार क्यों करवाना चाहती हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होते? मेरे बेटे ने कहा है ना, तो ऐसा होगा। आप करी करना होगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अनर्थ कर दे पायो, जिंदा आदमी का श्राद्ध होता है कभी? और प्रीत क्यों हो गया तनु?
मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे विषय में पुराने जमाने में देवी देवता पुतले का दाह संस्कार करवाते थे, जिसके बाद वो इंसान अंतिम संस्कार करने वाले के दिन से मरा हुआ माना जाता था। शायद हरमन यही चाहता है कि सौम्या पूर्ण रूप से उसके दिल से हमेशा हमेशा के चली जाए। एकदम सही कहा पंडित, यही तो करवाना है। बस तो मैं सौम्या का पुतला बनाकर ले आती। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं सौम्या के साथ अपने प्यार और अपने रिश्ते को खत्म करना चाहता हूं, उसका दाह संस्कार करना चाहता हूं। इसलिए पुतला भी मैं ही बनाऊंगा। मैं तुम्हारा दुख और गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन अंतिम संस्कार तो मनुष्यों का किया जाता है, रिश्ते और प्यार का नहीं। तो ठीक है पंडित जी, मैं अपने प्यार का पुतला बनाकर ले आता हूं, उसका दाह संस्कार तो कर सकते हैं ना। माता रानी, दुनिया कहती थी हरमन सौम्या कभी अलग नहीं हो सकते। जब जब हमारे रिश्ते पर कोई भी आंच आई है, आपने हम दोनों के रिश्ते को बचाया। मुझे भी विश्वास था कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इस बार आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। आपकी ममता और आपका आशीर्वाद आज यहाँ आपके सामने, मैं कोई शिकायत या आप पर आरोप लगाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हरमन जी को अपने बंधन से मुक्त करने आई हूँ। मैं अपने प्यार का पुतला बनाऊंगा। वैसे तो तुम पे हर कलर अच्छा लगता है सौम्या, पर ये कलर लगता है खास तुम्हारे लिए बना है। ये साड़ी मैंने तराना को गिफ्ट की, कलर अच्छा है ना? उस पुतले का दाह संस्कार करूंगा ताकि मैं इस छूटे बंधन से मुक्त हो जाऊं। उससे जुड़ी हुई हर निशानी मिटा दूंगा। ये टी-शर्ट भी उसी ने दी थी, कहती थी हरमन जी आप बहुत अच्छे लगते हैं, छूटे कहेंगी। चश्मा भी उसी ने दिया था। ये परफ्यूम भी, ये सब भी उसी ने दिया था। अब होगा इन सब का दाह संस्कार।
पंडित जी, ये वो सारी चीजें हैं जो उसने मुझे प्यार के नाम पर दी थी। इन सब को मिलाकर मैं अपने प्यार का पुतला बना रहा हूं। और ये रही उसके प्यार की खुशबू जो आज खत्म हो जानी है। अनिल जी, मेरे प्यार का पुतला तैयार है, दाह संस्कार शुरू करें। ओम चंद्रमा मनसो जातशो सूरजो अजायतो। मेरे और हरमन जी के पवित्र रिश्ते की निशानी, इस मंगलसूत्र को हमेशा मैंने अपने सीने से लगाकर रखा, लेकिन आज इसे मैं आपको समर्पित करने आई हूँ, क्योंकि हरमन जी को इस रिश्ते से आजाद करना है। आजाद होने के बाद ही अब वो खुश रह पाएंगे, शायद मैं जी पाऊंगी। ये मंगलसूत्र किसी और को देने के बजाय मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करके जा रही हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि आपने एक किन्नर को ऐसी जिंदगी क्यों दी। मेरे नसीब में जब एक पति, परिवार, ससुराल, माँ बनने का सुख आपने लिखा, तो फिर क्यों आपने मुझसे मेरा नसीब छीन लिया। गुलाबों के साथ 7 जन्मों तक रहने का वचन लिया था, आज उन्हीं 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। ये शादी, ये फेरे, ये 7 वचन, इन सब के कोई मायने नहीं होते, सब बकवास है, ढकोसला है, झूठ है, बेवफा गुलाबों की तरह। हरमन बेटा, अब आप अपने हाथों से बनाए हुए इस पुतले को अग्नि में विसर्जित कर दीजिए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए। चंद के सतत मियों दे जय।
आप तब तक यहाँ खड़े रहिए जब तक ये पुतला अच्छी तरह से जल ना जाए। अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे बीच श्राद्ध में ज्योत बुझना पूजा में विघ्न होता है। पंडित जी, हवा चल रही है ना, तो पूछ क्या, कौन सी बड़ी बात है, मैं जला देती हूँ। जी पंडित जी, चल गया थे, आप पूजा जारी रखिए। साड़ी लेके आओ। चलो जान बच गई तुम्हारी। होने लगी मदमस्त शराबी तुम पे। अब आप इस राख को उठाकर पवित्र कलश में लेकर शुद्ध जल में प्रवाहित कर दीजिए। Balam deva balam deva, Lakshmi pade te griva.